वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। तो आज आपको फिर एक और नई बलेनो की वीडियो दिखा रहा हूँ जो हम बना रहे हैं। इसके हमें फ्रंट बम्पर और रियर बम्पर पेंट करना है और ये हमारे भैया हैं जिन्होंने अभी ये गाड़ी खरीदी है रिसेंटली और इसका थोड़ा बहुत ड्राई डेंट भी था वो भी हमने कर दिया है और अब इस पर पूरी गाड़ी की रबिंग होनी है और अगला और पिछला बम्पर पेंट होना है। तो बम्पर की कंडीशन मैं आपको दिखा दूँ, इधर से ये स्क्रैचेस हैं और हमने ये बम्पर पेंट करना है और पीछे वाले बम्पर में थोड़ा रिपेयरिंग है तो वो भी आपको दिखाता हूँ एक बार। ये है गाइस इसका पिछला बम्पर, यहाँ से ये टूटा हुआ है, इसको हमें जोड़ना है और फिर रिपेयर करना है और साइड से ये है, ये भी हमें ये रिपेयर करना है और फिर इसको हमें पेंट करना है। तो ये है मारुति सुजुकी बलेनो। अब बलेनो कोई गाड़ी आती है तो हमारा खुद मन करता है वीडियो बनाने का क्योंकि कई लोग अब हमें बलेनो स्पेशलिस्ट भी कहने लगे। ये नेक्सा की गाड़ी है, मारुति सुजुकी बलेनो। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, अब दिखाते हैं इसका आपको सारा प्रोसेस। पेंटिंग का प्रोसेस तो बाद में चालू होगा लेकिन सबसे पहले हमने इसमें रबिंग का प्रोसेस चालू कर दिया है। ये इस सेट सारे में रफ लग चुका है 1000 नंबर के रेगमाल से, आप देख सकते हो कि पानी और गीला सब कुछ हो रखा है यहाँ पे और नीचे भी पानी पड़ा हुआ है, कीचड़ हो रखी है। और उसके बाद डिक्की में भी लग चुका है और डिक्की में यहाँ डेंट था और इसको हमने सुपर डेंट निकाल दिया और अब इधर से क्वार्टर पैनल और दरवाजे में रफ मारा जा रहा है, उसके बाद अगले दरवाजे में मारा जाएगा और फेंडर का भी दिखाता हूँ आपको। इधर ये जो ये आप देख रहे होंगे पेंसिल के निशान काले काले, यहाँ पे भी डेंट था, इसका हमने ड्राई डेंट कराया और अब इसकी रबिंग का पहले प्रोसेस चालू होगा। पहले तो रफ लग रहा, उसके बाद रबिंग होगी और फिर बाद में जो है इसका बम्पर पेंटिंग का काम चालू होगा। तो पूरी वीडियो दिखाते हैं आपको, बने रहे हमारे साथ इस तरीके से वीडियो। गाड़ी में रफ लग चुका था तो अब रफ मारने के बाद रबिंग का प्रोसेस होता है। रबिंग हमने निकाल ली है और बोनट पर लगा दिया, अब इसके ऊपर रबिंग करते जा रहे हैं और चमक निकलती जा रही है। आप देख सकते हो कि चमक किस तरीके से निकलती है और बलेनो गाड़ी पर जब हम काम करते हैं ना तो काम करने में बड़ा मज़ा आता है और इसकी मशीन जब चलती है तो उसका शोर भी काफ़ी होता है, लेकिन हमारा काम है वीडियो बनाना और आपको सब कुछ दिखाना। तो हम सब कुछ दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे, इसी तरीके से बने रहे हमारे इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी बोनट मारा जा रहा है, फिर इस सेट ये साइड होगी और फिर उसके बाद देखते ही देखते दूसरी साइड पे भी जो है रबिंग कर दी जाएगी और फिर डिक्की और एक हाथ मारने के बाद में फिर दूसरा हाथ भी मारा जाता है ताकि जो ग्लोस है, शाइनिंग है बोनट की वो ज़बरदस्त रहे और ज़बरदस्त दिखे। और आप देख ही सकते हैं फिलहाल बोनट के अंदर कितनी गजब की चमक आ रही है। एक साइड ऊपर शीशा है उसकी चमक और दूसरी साइड ये बोनट है इसकी चमक। तो इसी तरीके से बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस बलेनो की हमने रबिंग कर दी है और इसके ऊपर पॉलिश लगा दी है। पॉलिश आप देख सकते हैं गोल गोल सा जो निशान है पॉलिश का है और बम्पर जो करना था इसके बम्पर के ऊपर भी रफ वगैरह मार दिया है, लेकिन जहाँ से दिक्कत है उसको थोड़ा सीधा करेंगे, शायद हो सकता है बम्पर खोलना पड़े। और ये अगला बम्पर है, इसके ऊपर भी रफ मार के डल कर दिया, देख रहे हो अभी जो निशान पड़ रहा है ये डल होता है ताकि अगर इसमें पट्टी वगैरह भरें तो पकड़ मजबूत रहे। तो दिखाते हैं आपको इसका सारा प्रोसेस और ये बोनट है, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। बम्पर रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है, इसके अंदर लगे लगे हमने बम्पर में जो पीस अंदर घुसा हुआ था उसको बाहर निकाला जा रहा है ताकि दिक्कत ना आए किसी भी तरीके से। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, दिखाते हैं आपको बलेनो बम्पर पेंटिंग एंड डेंटिंग का पूरा वीडियो। और ये सारा काम आप देख रहे हैं बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, पहले आपकी फिर हमारी वर्कशॉप बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। तो गाइस ये बलेनो के अगले बम्पर के अंदर हमने बॉडी पिलर भर दिया है और ऐसे ही हमने इसके पिछले बम्पर में बॉडी पिलर भर दिया है और अब इसकी कटाई होगी और उसके बाद काम चालू होगा इसके अंदर पट्टी और अस्तर का। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो YouTube परिवार, YouTube फैमिली हमारी, हम आपको अब ये भी दिखाना चाहेंगे जिस बलेनो के बम्पर पे हमने बॉडी पिलर भरा था उसे रगड़ दिया गया है और इसी तरीके से पिछला जो बम्पर है उस पर भी लगे हुए हैं घिसाई करने में। ये हमारे पंचर उस्ताद जी बैठे हुए हैं, ये हमारे शमशेर उस्ताद जी हैं जो ड्राई डेंट करते हैं। इधर से राजा जी भी लगे पड़े हमारे बॉडी पिलर रगड़ने में। इस साइड का रगड़ा जा चुका है
और उस साइड से रगड़ा जाएगा थोड़ा सा। तो दिखाते हैं आपको सारा प्रोसेस, बलेनो मारुति सुजुकी बम्पर डेंटिंग पेंटिंग प्रोसेस। तो गाइस जो पट्टी हमने बलेनो पर भरी थी वो काट दी गई है, और कल बहुत तगड़ी बारिश आई थी तो बारिश के साथ साथ काम हो नहीं पाया, लेकिन ये है कि चलो कल नहीं हो पाया तो आज होगा। और अभी ये अगला बम्पर है, इसकी अभी पट्टी भरी हुई है, इसकी पट्टी हमें काटनी है। और इधर से आधी कट चुकी है, बाकी जगह कम थी इसलिए और गाड़ी पीछे करके काटी जाएगी। और ये पूरी गाड़ी है बलेनो, मारुति सुजुकी बलेनो। कल इसकी रबिंग हमने करी दी थी, बस बारिश की वजह से पेंट नहीं हो पाया था। कल तो इतना पानी भर गया था हमारी मार्केट में, लेकिन आज सब कुछ सही है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, दिखाते हैं आपको इसका सारा पेंटिंग का काम। तो गाइस बलेनो की हमने मास्किंग कर ली है बम्पर पेंटिंग के लिए, पीछे की तरफ से हो चुकी है। और ये प्रॉपर नंबर प्लेट टायर वगैरह सब कुछ हमने ढक लिया है, और उसके बाद फ्रंट से भी मास्किंग हो चुकी है। ये रहा फ्रंट बम्पर, अच्छे तरीके से ढका जा चुका है। तो बम्पर भी ढक दिया है और पिछला बम्पर भी ढक दिया है। अब बारी रहेगी इसकी अस्तर मारने की, और उसके बाद जो है फिर इसके ऊपर लोकल वगैरह मारा जाएगा। तो वही सारा प्रोसेस जो हम बताते हैं, बस ये है कि हर बार जितना हो सकता है आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। और ये सारा काम आप देख रहे हैं पता ना कहाँ पे, बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। पहले आपकी फिर हमारी वर्कशॉप। ऐसा है कि जो हमने बम्पर पे पट्टी भरी थी वो काट दी है, और पट्टी काटने के बाद में इसके ऊपर अस्तर मार दिया, और अस्तर के ऊपर भी पट्टी चेक कर दी थी, जैसे छोटे छोटे स्क्रैच से उनको कवर कर दिया गया। और अब इसके ऊपर डायरेक्ट बेस कोट डलेगा और फिर फाइनल कोट मारा जाएगा। ये रहा, जहाँ जहाँ पर पट्टी भरी थी वहाँ वहाँ पर अस्तर मार दिया, और जहाँ पर स्क्रैच दोबारा दिखे तो वहाँ पर भी पट्टी चेक कर दी गई है। और इधर से ये पट्टी काटी जा रही है, और बचा इसमें फाइनल काम पेंट मारने का, तो वो भी आपको दिखाते हैं, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। फाइनली पेंट का प्रोसेस चालू हो चुका है, तो जिस बम्पर पे हमने अस्तर पट्टी वगैरह सब कर दिया था अब उसके ऊपर फाइनल पेंट मारा जा रहा है। ये कलर है इस गाड़ी का, और उसके बाद जो है ये पीछे का पोर्शन था और ये आगे का पोर्शन है, इस पर भी कलर मारा जा रहा है। और देखते देखते पूरा बम्पर पेंटेड हो जाएगा, और मज़ा तो तभी आएगा जब लास्ट में क्लियर लगता है, क्योंकि क्लियर के बाद जो चमक आती है ना गाड़ी में वो देखने वाली होती है। और राजा जी लगे हुए हैं इसको पेंट करने में हमारे, और बाकी दिखाते हैं आपको इसका सारा प्रोसेस। कल हमने इस गाड़ी की रबिंग करी दी थी, और जब ये लास्ट में जाएगी तो सारा काम क्लियर करके देंगे, और बिल्कुल एकदम अनटच गाड़ी। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। जिसका इंतज़ार था वो काम चालू हो चुका है, यानी कि क्लियर लगना बम्पर पे चालू हो चुका है, और शाइनिंग आप देख ही सकते हैं कि जब राजा अपने हाथ से गन चलाता है तो चमक ऐसी आती है कि एक नंबर की। और अभी पिछले पे मारा जा रहा है, फिर एक बार आगे वाला बम्पर भी आपको दिखाता हूँ। अभी अगले बम्पर पे खाली रफ वो पेंट ही मारा है, अभी क्लियर नहीं मारा है। जब इस पर भी क्लियर लगेगा तो इसकी भी शाइनिंग ज़बरदस्त बनेगी। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, दिखाते हैं आपको क्लियर की चमक। और गाइस क्लियर में यही मज़ा है, इसलिए जब कोई हम मेटालिक कलर की गाड़ी पेंट करते हैं तो उसको पेंट करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि जब लास्ट में उस पर क्लियर मारा जाता है ना, और जो शाइनिंग उठती है उसको देख के जितनी खुशी हमें होती है उससे कई ज़्यादा खुशी कस्टमर को होती है जिनकी गाड़ी होती है। तो अगर आपकी भी गाड़ी मेटालिक कलर की है, और भगवान ना करे कभी उसमें कोई निशान या स्क्रैच लगे, अगर लग जाता तो फिर आप हमसे आके मिलना, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारा काम कैसा है। और अब ये फ्रंट बम्पर है जिसके ऊपर भी क्लियर मारा जा रहा है, और जैसे जैसे क्लियर लगता जाता है वैसी वैसी वही चमक आती जा रही है, और फाइनली जब पेपर हटेंगे जो गाड़ी की लुक दिखेगी वो आपको मैं दिखाऊँगा।
तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और ये सारा काम आप देख रहे हैं पता है ना कहाँ पर, बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, पहले आपकी फिर हमारी वर्कशॉप। गाइस अगले और पिछले बम्पर पर एक एक हाथ लग चुका है और अब मारा जाएगा दूसरा हाथ। और हमारे पास एक गाड़ी और खड़ी है पोलो, इसकी भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। मैंने आधी बना ली और बाकी बन रही है, तो अब दूसरे हाथ की तैयारी हो रही है। तो दूसरा हाथ भी क्लियर का लगना चालू हो चुका है, अभी इस कोने पे लगा है, फिर उसके बाद पूरे बम्पर पे लगेगा। तो अब दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक कि कैसी है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा काम कैसा लगा। तो गाइस फाइनली बलेनो तैयार हो चुकी है रबिंग पॉलिश एंड बम्पर पेंटिंग के बाद, देखने में कैसी लग रही है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये गाड़ी है बलेनो मारुति सुजुकी, और इसका सारा काम हुआ है बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर। तो अब ये वीडियो यहीं तक थी, अब इस वीडियो को करते हैं दी एंड। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।